एफ एम नाइन्टी थ्री रेडियो पाकिस्तान कराची प्राइम टाइम नशरिया मैं हूँ आपका मेज़बान जहीर आलम अब आप हमारा कमर्शल प्रोग्राम सुनेंगे ताउन है इस्लामिक रिसर्च सेंटर इस प्रोग्राम के मेज़बान होंगे एम तारीख़ जावेद और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर आमिना शेख आइए सुनते हैं कमर्शियल प्रोग्राम इस्लामिक रिसर्च सेंटर बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम समीन रेडियो पाकिस्तान के एफएम 93 से कराची सेंटर से आपका मेज़बान मियां तारिक जावेद हाजिर خدمت है। आज का ये खसूस प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे समाजी हमहगी और मजहबी कायदीन का किरदार यकीनी तौर पर किसी भी माशरे में अगर मजहब की बात की जाए तो मम्बर और महराब उसमें बड़ी अहमियत की हा, हामिल होते हैं जो बात आप मीडिया के जरिए नहीं कर सकते जो बात आप किसी और मीडियम के जरिए लोगों तक नहीं पहुँचा सकते वो मम्बर और महराब से जिस आसानी के साथ पहुँच सकती है उसमें हमारे कराम हमारे मजहबी और समाजी रहनुमाओं का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है और दुनिया में किसी भी माशरे की तरक्की उसकी उस पर जो माशरती तब्दीलियाँ होती हैं उसमें मेंबर और महराब या मजहबी जो रहनुमा होते हैं उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है पाकिस्तान में हमने गुजत कोई तीस चालीस साल से जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा उस दौरान में मजहबी और फरका वारा मामला का भी इजाफा रहा लेकिन एक वक्त आया कि जब तमाम मसालिक और तमाम मजाब के जो मजहबी रहनमाय वो इस पेज पर आए हैं कि हमें हम आहंगी को फ़रोग देना होगा इस भाईचारे को फ़ोग देना होगा ताकि हमारा माशरा एक बेहतरीन माशरा बन सके आ, आज के इस प्रोग्राम में आ, हम जो बात करेंगे आ, समाजी हमगी मजहबी कायदीन का किरदार और इस इस मौजू पर गुफ्तू करने के लिए हमने दावत दी है अमामा बिलाल जहांगीर साहब हैं फाजिल हैं बनोरिय बनोरेटोन से आ, मौलाना गुलाम हर्सा नक्शबंदी साहब हैं और इनके साथ साथ मौजूद हैं सलमान अहमद अंसारी साहब इस्लामिक रिसर्च सेंटर कराची से और जाम अभी बकर गुलशन इकबाल इस्लामी गुलशन इकबाल से इनका तल्लु है जी जी बिल्कुल और आपको हम बताते चलेंगे आज का जो हमारा प्रोग्राम है इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के इश्तराक से पेश किया जा रहा है और आज हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज़्यादा मालूम हासिल करेंगे बैन बैनलमसालिक व बैन अमज़ाहब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है इस हवाले से हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हमें क्या कहना चाहेंगे और एक और बात मैं बताती चलूँ फरमाते हैं कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पन, पनपने की यही बातें हैं तो सामीन आज हम बात करेंगे फिरका बंदी और ये जो तबकात हमने बनाए हुए हैं ये किस तरह से हमारी तरक्की और हमारे मुल्क की तरक्की में रुकावट बनते हैं तो आज हम इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करें जहांगीर साहब सबसे पहले मैं आपसे जदा करूंगा और ये जरूर जानने की कोशिश करूँगा कि बैन अमसालिक व बैनम महंगी का तस्वर कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है बसमीम्लहदिल्ल वक़ा वसामबादी अम्बादुफ़ाउदिन शैतान बसमिम मज़्द सामा करामी मज़हब से वाबस्ता होने की बुनियाद पर मसल की हम आनगी और बैन अमजाब हम आनगी का तस्वुर में पेश करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा फिर उसके बाद अपनी बात का आगाज़ करूँगा दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ सोचें पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ अकदार पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ समाज पाए जाते हैं और मुख्तलिफ इलाके पाए जाते हैं हर इलाक़े का अपना एक तसुर है अपनी एक सोच है वो उस सोच के मुताबिक ही अपनी चीज़ों को लेकर चलता है इन चीज़ों का मुख्तलिफ होना उनकी कल्चर को उनकी याफत को दुनिया के साथ मुतारफ़ कराता है इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ़ हैं इसी तरीक़े से जब हम देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ़ मजाहिब के तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ मज़ाब के लोग एक एक मुल्क के अंदर पाए जाते हैं पाकिस्तान इसका जो है सबसे बेहतरीन मिसाल मिसाली नमूना है पाकिस्तान के आप अंदर देखें मुख्तलिफ मब के लोग पाए जाते हैं इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के मानने वालों में मख्तलिफ़ मसालिक लोग हैं अब मख्तलफ़ मसालिक लोगों का जो है मन्क़म जो है बहुत सारी चीज़ों की तरफ इजमा है वो एक ही चीज़ की तरफ़ जमा होते हैं वो एक ही कुरान के मानने वाले हैं वो एक ही रसूल के मानने वाले हैं वो एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं अगर हम इस हैस, हैसियत से सोचेंगे तो हमें जमा होने की बहुत सारी वजूहत मिल जाएंगी लेकिन अगर हम इख्तलाफ़ की तरफ़ जाएंगे, तो इख्तलाफ हमारे अंदर है उसके लिए भी कुछ आदाब इख्तलाफ़ बयान किए जाते हैं उन आदाब के साथ मिसबत सोच के साथ अगर हम इख्तलाफ़ करेंगे तो उसमें कोई जो है कोई मजायका नहीं है इसी तरीके से बैन मजाहिब के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जब हम अपने मज़हब को या अपनी अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा रवैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस रवैये को बेहतर अंदाज़ में पेश करें और इसका तसवुर इस्लाम से मिलता है अल्लाह रब्ज़त के बारे में कहीं पे भी रब्मुसलम नहीं जिक्र है बल्कि अल्लाह रब्ज़त के नाम के साथ हमेशा रब्बालमीन आए इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक जो लकब था वो रहा आलमीन था और यहीं से जो है बैन अमसालिकनगी और बैन अमज़ाहब हम आहनगी का तस्वुर हमें मिल जाता है जी अच्छा ये बताइएगा अपना मैं चाहूँगा नक्शबंदी साहब आपसे कि ग़ुलाम मुर्ज़ा नक्शबंदी साहब एक जो सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है वो है जिस तरह अभी बिलाल जहांगीर साहब ने कहा है कि ये तसुर बहुत पुराना है अगर हम नबी केम तो के दौर को देखें कि जब इस्लाम का ज़हूर हुआ उसके बाद जो कुफ़ार के साथ इवन फ़ते मक्का के मौका पर भी सबको जो है अमां हासिल हुई इसके बाद हर जंग के मौका पर ये कहा जाता था कि इसका क्या मसला क्या मजहब है उससे कता नज़र कि किसी बुज़ुर्ग को किसी बच्चे को जो है या किसी औरत पर को कत्ल नहीं करना बल्कि उनको अमान देनी है जो आपके सामने जो है तलवार उठाए सिर्फ उसी के साथ लड़ना तो अब जो इस वक्त बैन अमजा मसाल व बैन अमजाहब हम आंगी है उसको उसके तस्वर को बुनियादी तौर पर हम एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में कैसे देख सकते हैं बसमीम सबसे पहले तो हमारे तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो देखें जी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है बड़ा ही अहम सवाल आपने फरमाया इसके तस्वुर को हम किस तरह देखते हैं सबसे पहले तो आप ये अपने जहन में रख लें बैनलामसाद व बैन अलमज़ाहब इख्तलाफात ये एक नाकबिल तरदीब और नाकबिल तब्दील हकीीकत है हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह हमारे बिलाड़ साहब अभी फरमा रहे थे बहुत सारे मजाब के लोग भी रहते हैं और खस क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लोग मुसलमान रहते हैं मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे जो है वो मसला मकातब फ़िक्र पाए जाते हैं सबसे पहले तो आप इस तसवर को जहन में रखिए इस बात को जहन में रखिए बैन अमसालिक व बैन अमाहब रवादारी का हरगज़ यह मतलब नहीं है कि आप इसका यह हरगिज़ मतलब हम नहीं निकालते कि आप अपने अकीदे को छोड़ कर माजल्ला अपने नज़रिए को छोड़ कर किसी दूसरे अकीदे को आप अपनाएं किसी दूसरे नज़रिए को आप अपनाएं हरगिज़ इसका यह तस्वूर नहीं है बल्कि इसका तस्वूर ये है कि आप अपने अकीदे पर कायम रहते हुए अपने नज़रिए पर कायम रहते हुए दूसरे को भी किसी और मसल के लोग को भी किसी और मजाब के लोगों को इख्तलाफ़ के बावजूद आप उन्हें बर्दाश्त करें आप उन्हें कबूल करें उनकी बात को आप सुनें इख्तलाफ़ के बावजूद भी हम आहगी यानी मुताबत जो समाजी काम हैं उनके अंदर आप जो है हम आहगी पैदा करें मुताबत पैदा करें उनके अंदर आप उनके साथ मिल बैठें बातचीत करें मकालमा करें उनके साथ आप बातचीत जब समाजी तल्लक आपके बेहतर होंगे तो जाहिर है उस वक़्त फिर माशरे के अंदर अमन वामान की जो सूरत हाल है वो भी बहुत बेहतर होगी और इस तरफ जब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो उस वक़्त हमारा मुल्क जो है इन बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा ये मसला ही यही है कि हमारे अंदर क्योंकि मसल की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंतशार को हवा दी गई इख्तलाफ बढ़ाए गए ये उस वक़्त पैदा हुई कि जब हम एक दूसरे से हमने समाजी रबता तोड़ा हमें चाहिए कि इख्तलाफ़ के बावजूद भी अगरचे वो हमारा मसल का मानने वाला नहीं है या किसी और मज़हब से उसका ताल्लुक़ है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उससे बिल्कुल जो है वो कदर ताल्लुक़ हो जाए बल्कि ऐसा नहीं है हमारे हमें उसके साथ जो है रवाबित रवाबितयम रखने चाहिए बातचीत करनी चाहिए जब हम समाजी आम आंगी को फ़रोग देंगे एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगे मुताबत होगी बातचीत होगी डायलाग मुकालमे की फ़ा क़ायम होगी तो इन हमारा माशरत जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ़ जाएगा जी जी बिल्कुल और अब मैं सवाल करूँगी मौलाना गुला गुला सलमान अहमद साहब से आपसे मैं ये मैं सवाल करूँगी कि आज कल का जो नौजवान है उनमें बर्दाश्त की क़त नहीं है तो आप बैन मसाले व बैन अमाहब का की हम आहंगी का उनको क्या दे, जवाब देंगे कि किस तरह से वो अपनी बर्दाश्त की क़ुत को बढ़ा सकते हैं और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे अला करीम अम्बाबाद सबसे पहले मैं अपने तमाम सामीन हज़रा को दिल से सलाम करता हूँ असल वरह लू यहाँ गुफ्तू हो रही है बनलमसालिक वमदाहब अहम हम आहगी के पर समाजी कायदीन का किरदार और जैसा कि आपने जैसा कि अभी हमने सुना साहब से और मौलाना साहब से कि किस तरह तारीख़ी पस मंज़र से बैनलमसालिक और बैन अमदाहब अहम आंगी किस तरीके से फ़रोग दी जा रही है इसमें मैं बस एक नुक्ते की तरफ इशारा करके मैं अपने असल लुबे लबाव की तरफ आऊँगा वो ये है कि बैन मसालिक हम आहंगी इसकी असल फ़िज़ा हमें मिलती है रियासत मदीना से जब रसूल वसल्लम सहाबा के साथ हिजरत करते हैं मदीना में तो पहला पैगाम जो अवामानास में आम करते हैं वो ये है या एयूअन्नास अफुसलम वतम वसलूबिल्लनासुबिन्यम ए लोगों यहाँ पे लोगों का लफ्ज़ ये सुनन तिरमीज़ी की सही रिवायत है जिसमें रसूल सल वल् ने दुनिया के लोगों को मुखातिब करके कहा मुसलमानों को नहीं बल्कि आप समझते हैं कि मदीना के अंदर वहाँ मुशरक भी थे और वहाँ यहूदी भी थे नसारा भी थे लेकिन उसके बावजूद आपने नाज कहकर लोगों को मुखातिब करके कहा लोगो अफशुल सलाम सलामती को एक दूसरों के दरमियान सलामती को आम करो एक दूसरे को खाना खिलाओ ये तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और तुम्हारे दरमियान हम आहंगी पैदा करने का एक बहुत बड़ा नुकता है और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों तो ये जो हम आहंगी की सोच है ये इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रियास मदीना का तस्वर असल में पेश कर रहा है जो सलामती वाला पैगाम है और जहाँ तक सवाल की बात रही वहाँ पे हम देखते हैं कि आज ख़ास तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है वो एक दूसरे को कबूल नहीं करते हम ये कहते हैं कि मैं ये सोच रखता हूँ मेरा नज़रिया ये है और मैं इस चीज़ को डिफ़ेंड करता हूँ और सामने की राय को मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ ये मक़ूला जामियात के अंदर मदारस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर समझे आम समझा जाता है और बर्दाश्त का मादा चाहे वो तहकीकी मैदान के अंदर हो काबिलियती मैदान के अंदर हो या आपकी सलाहियतों के मैदान के अंदर ये अब चीज़ ख़त्म होती जा रही है मैं अपने तमाम सामीन को ये पैगाम देना चाहूँगा तौर पर नौजवान तबकों को कि देखिए कि माशरा तश्किल पाता है दो या दो से जद अफरा से और उसके अंदर सबसे अहम अनसर होता है बर्दाश्त जब इंसान दो या दो से ज़्यादा होता है तो उसके अंदर इख्तिलाफ होना लाजमी शर्त है और यहर है आप देखें कि शक्लों का मुख्तलफ होना और रंगत का मख्त होना लसानियत का मख्तलि होना और दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तनवो से जो दुनिया पैदा की है वात का सबूत है कि इंसान इख्तलाफ के साथ जीना सीख ले यह उसकी कामयाबी ठीक मा बिलाल जहांगीर साहब जिस तरह सारी साहब ने सलमान अंसारी साहब ने ये कहा है कि दुनिया में जो माशरे तश्ील पाता है उसकी बुनियाद जो है हम अगर उसको उस हवाले से देखें तो रियात मदीना की का आता है कि जहाँ पर तमाम मजहब के लोगों को आज़ादी थी फिर उसके बाद जब रियासत जो है मदीना से निकल कर पूरी दुनिया में फैली वो नबी करीम सलील वसम का दौर हो साहबा का दौर हो तो उसके बाद जब पूरी दुनिया में फैली तो उसमें उस रियासत में अमन था हमहगी थी उस इस्लामी रियासत में फतुहात भी जारी थी और उसके साथ साथ जो आपस में तमाम दीगर मजाहब के लोग उस रियासत के अंदर रहते थे उनको अमान भी हासिल थी आज के पाकिस्तानी माशरे में बैन मसाले को बैनल, बैनल मजाहब हमहगी की अहमियत जो है उस, उस पर का, कितनी अहमियत है आज कल के पाकिस्तानी माशरे को देखें पाकिस्तानी माशरा जो है वो हमारा जोग्राफियाई लिहाज से भी और नज़रियाती लिहाज से भी और भी मुख्तलिफ पहलुओं के अतबार से बहुत ही ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग रहते हैं मुख्तलिफ नज़रियात के लोग रहते हैं इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों के अंदर जो है बर्दाश्त नहीं पाई जा रही अब हम आते हैं उस चीज़ की तरफ के रियासत मदीना के अंदर जो हजूर आल सलाम ने तरबियत की थी वो उस वरबियत का समरा था कि वहाँ पर लोगों के रवैये मुस्बत थे आज के दौर में एक तरबियत की कमी है पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखें नौजवानों के अंदर ये जो नौजवान रिएक्ट कर रहा है ये किसी एक्शन के बाद रिएक्ट कर रहा है और वो जो एक्शन है वो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है या वो उस चीज़ को बेहतर समझ नहीं रहा अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारा माशरा जो है वो बेहतर से बेहतरीन बन सकता है उसके लिए हमें अपनी कोशिशों और काविशों को जारी रखना चाहिए आई आर आई एस एस ने भी इसी चीज़ की एक आवाज़ बुलंद की है वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन कोशिश कर रहा है वो नौजवानों को इसी तरफ़ लेकर आ रहा है ताकि मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन हो सके जिस मुल्क के अंदर अमन होगा वह मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा जिस मुल्क के नौजवान पुरसकून होंगे और पुरान होंगे वो अपने मुल्क को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं और यही इस्लाम का पैगाम भी है और यही पाकिस्तान का पैगाम भी है इसी जी जी. इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर चलें एक और चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं वो यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है पिछले कुछ अदवार में जो है मनाजरे का दौर ज्यादा रहा है जिसकी वजह से हमारी साख्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है आज के दौर का तकाजा यह है कि हमारे दरमियान मुकालमे की फ़िज़ा होनी चाहिए और हम हर चीज़ को डिबेट के ज़रिए हल कर सकते हैं दुनिया के अंदर जितने भी मसायल हैं आप वो देखें वो एक टेबल के ऊपर बैठ हल हो रहे हैं तो अगर हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हमें अपने मुल्क के अंदर भी उन्हीं चीज़ों का नाफ़ कर रहे और इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वह वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने को और अपने आप को ट करने से मना नहीं करता बल्कि वह मुसबत अप्रोच को और वक्त के तकाज़े को मद्देनज़र नज़र रखते हुए आपको इन तमाम चीज़ों की इजाज़त देता है जी बिल्कुल और मेरा सवाल है मौलाना गुलाम मुर्तजा नक्शबंदी साहब से कि जैसा कि मौलाना बिलाल साहब ने कहा कि हमारे हमें मकालमे की ज़रूरत है और इस वक्त जब हम बात करें पाकिस्तानी माशरे की तो हमारे माशरे में बहुत से आ, मसालिक हैं बहुत से फ़िरके बन चुके हैं और हर नए दिन एक नया फ़िरका बनता जा रहा है आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस सूरत हाल में हम किस तरह से हम आहंगी पैदा कर सकते हैं देखें जी जिस तरह हमारे साथी अर्ज़ कर रहे हैं हम आंगी किस तरह पैदा की जाती है वो बर्दाश्त रवैयों का दुरुस्त होना एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना इख्तलाफ़ के बावजूद भी हमें चाहिए कि हम अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें एक दूसरे की बात को सुने हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि हम अपनी बात सुना देते हैं दूसरों की बात को नहीं सुनते दूसरों की बात सुनना हमें गवारा नहीं होती अपनी बात हम दूसरे के ऊपर दूसरे दु, दु, अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अपनी राय को किसी दूसरे पर मुसलत करना ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी राय है वो अपनी जगह पर बिल्कुल आप दुरुस्त हैं आप अपनी राय को अपने पास रखें वो दुरुस्त अपनी जगह पर है लेकिन आप दूसरे की राय को भी सुने और उसको सुनने के लिए आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए और अगर आप देख रहे हैं कि आपकी राय और दूसरे की राय में कोई इख्लाफ हो रहा है तो आप उस इख्तलाफ़ को एक अच्छे तरीके से फिर उसका मुसबत पहलू निकालें एक अच्छे तरीके से अगरचे आपके पास मनत दलाइल मौजूद हैं सब कुछ मौजूद है उसके बावजूद भी हमें चाहिए कि बर्दाश्त को सामने रखते हुए ज़ाहिर है देखें ये हम हैं इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं ये मुल्क भी इस्लाम के नाम पर है तो इस्लाम तो हमें दर्स ही रवादारी का देता है मोहब्बत का दर्श देता है भाईचारे का दर्स देता है रवादारी मोहब्बत अब देखें लक़द खलक नल इंसान अफी अहसनी तकवीम अल्ला फरमाता है हमने इंसान को बेहतरीन बनाया तो ज़ाहिर इंसान के बारे में जब अल्लाह फरमा रहा है तो हमें भी ये सोच जो है वो रखनी चाहिए कि हम भी इंसान हैं मुख्तलिफ़ मजाब के जो लोग हैं वो भी इंसान हैं अगरचे उनका मजहब आपसे मुख्तलिफ है उनका मसलक आपसे मुख्तलिफ है लेकिन हैं तो वो भी इंसान तो अगरचे मसल की बुनियाद पर नहीं मजहबी बुनियाद पर नहीं एक इंसानियत के नाते तो आप उनके साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं एक इंसानियत के नाते आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं अच्छे अखलाक के साथ पेश आ सकते हैं तो जब हम इस चीज़ को सामने रखेंगे अपने अखलाक को बेहतर बनाएँगे बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करेंगे हौसला पैदा करेंगे दूसरे की बात को सुनेंगे तो ये यकीनी बात है कि हम एक दूसरे के अंदर जो है वो हम आंगी पैदा कर सकेंगे और जब एक दूसरे में हम आंगी पैदा होगी तो रिर माशरे के अंदर समाजी कामों के अंदर ज़ाहिर देखें बहुत सारे काम ऐसे हैं कि वहाँ मसलक को जो है वो मसला को सामने नहीं, नहीं रखा जाता बहुत सारे काम ऐसे होते हैं समाज के अंदर तो समाजी कामों पर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए जब समाजी कामों के अंदर हमारे दरमियान हम आंगी होगी तो यही यकीनी तौर पर वो समाजी काम है तो इससे समाज हमारा जो है वो तरक्की करेगा सलमान अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात की लक्ष्मणी साहब आपने लेकिन एक चीज़ जो सलमान अंसारी साहब सब सबसे अहम है कि जब हम पाकिस्तानी माशरे को देखते हैं जहाँ पर बैन मजाहब और बैनमस हम आहंगी जो है माजी में नहीं रही लेकिन अब बड़ी तेज़ी के साथ फ़रू पा रही हैं ऐसी सूरत में इस सोसाइटी में इस माशरे में इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है बिल्कुल मैं अपने तमाम साथियों की बात को सेकंड करूंगा कि जो उन्होंने कहा कि पिछले ज़माने में एक बात होती थी मुनाजरे की कि बैनमसलिक मनाजरे की बात की जाती थी और एक बड़ा शोर होता था और उसमें लोग जाते थे लेकिन अलहमदिल्ला ये तालीमी दौर है तलीम की तरक्की का दौर है और रियासत मदीना का भी यही पैगाम था कि वो इल्म के ज़रिए उन्होंने उस रियासत को तब्दील किया और लोगों के जहनों को तब्दील किया आज के दौर में बैन अमसालिक हम आहंगी उस कुरान मजीद की सूर आल इमरान आयत नंबर सिक्सटी फ़ोर की रूह से हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं जिसमें अल्लाह ताली फरमाता है यह कुल या अलकितब तला कल मतिन सवा इमबैना नवबी कम ये बड़ी खूबसूरत जो सोने के पानी से लिखने वाली आयत है कि जिसमें हमें बताया जा रहा है कि उस चीज़ की तरफ मुतफिका चीज़ की तरफ़ आ जाएं जो हम में और आपके दरमियान एक मुतफ़ चीज़ है और वो कैसे होगा वो मुकालमे की रूह से होगा जब तक हमारे दरमियान मुकालमे की फ़िज़ा आम नहीं की जाएगी और बल्कि मैं अगर अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो कुछ अरसे तक मेरे जहन में भी यही एक रवादारी थी कि अपना मसलक छोड़ो नहीं दूसरे को छेड़ो नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से आई आर आई एस एस की वर्कशॉप्स हमने ली और उसके बाद हमने इस चीज़ का मताल किया और इस चीज़ की फ़िज़ा को आम किया तो पता लगा कि कितने खैर की चीज़ें जो बाकी जगहों से हमें मिल सकती हैं मुझसे महरूम थे और वो है मोहब्बत अमन एक माशरे की तश्ील के लिए ये दो अनर बहुत ज़रूरी हैं एक अमन और एक एक दूसरे को सुनना मकालमा जिसमें इंसान की इख्लाफ राय को सुनकर बर्दाश्त करके उसको तस्लीम करके अपनी राय को पेश करना बड़े ही अहसन तरीके से ये इस आज की इस माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ अपने दोस्तों को अपने नौजवानों को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि एक दूसरे को सुने और सुनने के बाद तस्लीम करने के बाद अपनी राय को ख़ूबसूरत अंदाज से पेश करें इतलाफ राय रखना ये नक्श नहीं है बल्कि इख्तलाफ राय को पेश करना एक बुरे अंदाज से ये एक बड़ा नक्श है जी।, जी बिल्कुल और सामीन हम आपको बताते चलें कि आज का हमारा जो प्रोग्राम वो है इस्लाम इल्... इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस के इश्तराक से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा जो मौजू है वो है समाजी हम आहंगी और मज़हबी कायदीन का किरदार तो मेरा अब सवाल है मौलाना बिलाल से कि आप फरमाएँ कि पाकिस्तानी माशरे में बैन अमजा मसालिक व मजाब हम आहंगी माशरती इसकाम के लिए लाजमी है हमारे माशरे में हम समाजी हम आहंगी के क़याम में क्या हमें चैलेंज़ दरपेश हैं देखें जी हमारे माशरे में जो है हमें मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस दरकार होते हैं या दरपेश होते हैं उनमें से सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमारे माशरे के अंदर सुनने की आदत ही नहीं है वो सुनने से पहले ही आपके जो है चीज़ों से आपकी शक्लों से जो है आपको जज कर लेते हैं जबकि बाहर के माशरे में ऐसा होता है नहीं है वो पहले अगले का मैसेज सुनते हैं फिर उसके बाद नतीजा देते हैं हम हमें है, मिनसल कौम जो है हमें जो है एक्शन के बाद रिएक्शन का जो दौरानिया है उसके दरमियान सोचने की ज़रूरत है हम हर चीज़ का फ़ौर रद्द दे रहे हैं इसी तरीके से जब हम किसी भी चीज़ का फ़ौर रिएक्शन देते हैं तो बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा हो जाता है कि हम उसका रिएक्शन जो है सही नहीं दे पाते और ज़्यादातर जो है वो मनफी रवैया चले जाता है इसी तरीके से जब हम नौजवानों को कहते हैं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ आइए तो उनके पुराने तजुर्बात ऐसे हो चुके होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर उनको लाना ज़रा मुश्किल हो जाता है हर नौजवान जो है वो अमन का ख्वाह हाँ है वो हर चीज़ सीखना चाहता है हर चीज़ लेकिन जब इस माशरे की तरफ़ आता है तो माशरे की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उसको मुसबत आंसर नहीं मिलता जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपने कैद अजम मोहम्मद अली का कभी पैगाम सुना होगा वो भी ये कहते हैं कि मुल्क की तरक्की में जो है नौजवानों का बहुत अहम किरदार है उसके बावजूद आज का हमारा माशरे का नौजवान देखें कितना है उसके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है उसके पास कोई मकसदियत ही नहीं है जिस बंदे के पास मकसदियत नहीं होगी वो मुल्क को या अपने घर को कैसे आगे लेकर जाएगा इसी चीज़ की कोशिश आई आर आई एस एस कर रहा है कि नौजवानों के अंदर जो है बेदारी पैदा करें उनको जो है उनकी ज़िंदगी का मकसद दें और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ ताकि उनकी इजाफी खूबियाँ जो है उनके अंदर जो अल्लाह रब्ज़त ने सलाहियतें दी हैं वो उनको उजागर करते हुए मुल्क की कौम की और अपने लोगों की खिदमत कर सकें उसके अलावा भी बहुत सारी चैलेंजेस हमें ये पेश आती हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को करने का कहते हैं तो हम खुद करके नहीं दिखाते हैं ऑर्डर दे रहे होते हैं जब तक अलामाएँ कराम और समाजी क़ायदीन ख़ुद इस चीज़ का अमली नमूना नहीं बनेंगे जब तक ये चीज़ माशरे में आम नहीं होगी अब हम कह तो रहे हैं लोगों को जुड़ने के लिए लेकिन अगर कोई जुड़ दिखा ही नहीं रहा क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं साइकोलॉजी ये कहती है कि हम बोलने से ज़्यादा देख कर उन चीज़ों को अडोप्ट करते हैं तो जब तक हम माशरे के अंदर इन, इन चीज़ों को होता हुआ नहीं देखेंगे तो वो चीजें हम ईज़िली जो है माशरे के अंदर नहीं रिवाज दे सकते हैं गुलाम ग़ुला नक्षवदी साहब बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम ये बात करते हैं मजहबी हमगी की या मसालिक की हमगी की तो डेफिनेटली उसमें आ, माशरे के वो तमाम आ, अफराद जो कि एक माशरे में रह रहे हैं एक माशरे में मौजूद हैं उनकी अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी कि किसी भी मसलक की या किसी भी मजहब की होती है तो क्या आप समझते हैं कि माशरती हम आहंगी के लिए मजहबी हम आहंगी और मसाल की आहंगी बहुत ज़रूरी है जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है माशर्ती हाँगी के लिए मसलकी हमी और मजहबी हमी बहुत ज़रूरी है लेकिन कोई भी मुल्क यह उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा जो है वो अच्छी ना हो और अमन अमान की फ़िज़ा जो है वो कब अच्छी होगी वो उसी वक़्त अच्छी होगी जब तक हमारे अंदर मसल की हम आँगी होगी मजहबी हम आगी याद रखें क्योंकि इस मुल्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा मसल की बुनियादों पर मसल की तकसीम है और मसल की बुनियादों पर बहुत ज़्यादा इंतजार फैलाया गया और फैलाया भी जाता है तो हमें हमें ये चाहिए जिस तरह बिलाल साहब फरमा रहे थे कि जब तक देखें बंदा खुद उस पर अमल नहीं करता ना तो दूसरे पर उसकी बात का कोई असर होता है हम हमारा रवैया क्या होता है कि हम अपनी बात कह तो देते हैं दूसरों पर लेकिन हम उस बात पर ख़ुद अमल नहीं करते हमें यह चाहिए जो मजहबी कायदीन है जाहिर है हमारा जो इकदारा है आई आर आई एस एस इसका मकसद ही यही है हम आंगी को पैदा करना मसल की बुनियाद पर हो मजहबी बुनियाद पर हो समाजी क़ायदी का किरदार इस तरह कराम को जो है वो मोटिवेट करना जो नौजवान नसल है उसके अंदर जो है एक जज्बा पैदा करना कि भाई ये माशरा अब जो है देखें बहुत ज़्यादा हालात अब वैसे नहीं हैं अलमदिल्ला हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं इस हवाले से हम आंगी के हवाले से तो हमें भी ये चाहिए कि सिर्फ मा की हद तक नहीं जो अवामनास है उनके अंदर भी हम जो है इस शा को उगा, उजागर करें मसल की हम आँगी को जो है वो उजागर करें कोई अगर देखें इख्लाफा ये शुरू से हैं और हमेशा तक रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें कि जी ए, सब कुछ जो है वो हर बंदा मेरी तरह हो जाए उसके मेरे साथ कोई इख्तलाफ ना करे ऐसा नामुमकिन है ऐसा नहीं हो सकता तो जो इख्लाफा हैं होना ये चाहिए कि जो इख्तलाफात होते हैं वो उलमा की हद तक रहने चाहिए उलमा बैठें उनको टेबल पर हल करें इख्लाफा को अवा उन्नास के अंदर वो बातें नहीं आनी चाहिए जब वो बातें उन्नास के अंदर आती हैं तो उस वक़्त फिर इंतशार फैलता है इंतशार फैलता है फ़िरका वारियत फैलती है जब इंतशार फैलता है फिर वारियत फैलती है हमारे फ़ासले बढ़ते हैं जनाब वाला दूरियाँ बढ़ जाती हैं जब फासले बढ़ते हैं दूरियाँ बढ़ती हैं तो हम एक दूसरे की बात को सुनना तो दूर की बात एक दूसरे को हम देखना तक गवारा नहीं करते इसका तो तल्लु हमारे मसलक से ही नहीं है इसका तल्लु हमारे मजहब से ही नहीं है ठीक है भाई मसलक से नहीं है मजहब से नहीं है अब उसको इंसान तो समझते हैं लक्ष्मण साहब ये सारी चीज़ें ये इंतशार ये फिरका वारियत ये सारी चीज़ें आई कैसे और इसको जो हमारी माशरती रिस्पॉन्सबिलटीज़ हैं जो हम मजहबी हमहगी और मसाली हमहगी की बात करते हैं तो उसमें आप कहाँ देखते हैं देखा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये आई ये चीज़ कहाँ से आई ये मसल की जो तकसीम है ना हमारे अंदर हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं जब मसला की बात आती है जो तो हम सोचते नहीं हैं समझते नहीं हैं दूसरे की सुनते नहीं हैं हम अपनी थोप रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो जो ये सारी चीज़ें उसी वक़्त आई हैं कि जब हम हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा खत्म हुआ है सुनने की कुत हौसला हमारा ख़त्म हुआ है हमें यह चाहिए कि हमें इस चीज़ को दोबारा बहाल करना है अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम करना है उसी वक़्त होगा मसला कि इख्तलाफा देखें रहेंगे ये ख़त्म नहीं हो सकते लेकिन आप ये भी इसका मत, हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपना इख्तलाफ़ ख़त्म करें और दूसरे के साथ मिल जाएँ आप अपनी जगह राइट हो सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दूसरे की बात को भी आप सुने और दलील के साथ उसकी बात का जवाब दें और आपके पास जो कोई अगर है कोई बात तो उस पर भी आपके पास कोई दलील होनी चाहिए सुनी सुनी बात पर देखिए हमारे अंदर मसल की अखिलाफात जन्म ही उसी वक्त लेते हैं कि जब हम जो है सुनी सुनी बातों पर अमल करते हैं उसका कोई हम उसकी तकीक नहीं करते उसके पीछे हम कोई देखते नहीं है आया ये बात दुरुस्त है या ये हम सुनी सुनी बातों पर जब यकीन करते हैं उसके पीछे जाते हैं तो उस वक्त फिर अखिल जो जो है वो जन्म लेते हैं तो हमें चाहिए एक तो हम कोशिश करें कि अहिल से जो है वो अपना तालुक़ कायम रखें उनके पास बैठें समाजी रबता कायम करें फासलों को ख़त्म करें जब उनके पास बैठेंगे तो जाहिर है हमारे अंदर से जो है वो अख्तफात की जो फिज़ा है वो खत्म होगी और इनशाला हम आगे से आगे इनशाला जाएंगे जी इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद मुख्तलिफ तबकात के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है सलमान साहब आपसे मेरा सवाल है कि हम जिस माशरे में रहते हैं पाकिस्तान में जैसा कि आपने पहले भी फरमाया कि नौजवानों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है तो क्या चैलेंज़ हमें दरपेश हैं समाजी आहंगी के क़्याम के लिए हम लोगों को क्या मुश्किल का सामना है क्या चैलेंजेस हैं जिसका सामना हमें है और हम किस तरह से इनको ख़त्म कर सकते हैं जी बिल्कुल इस मुहिम के लिए जो अरसा दराज से हमें चैलेंजेस हमारे बड़ों को भी और हमें भी जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि क्या मेरा तरीका गलत है ये जो मकूला है हम जब भी किसी नए शख्स से बात करते हैं और कोई अपना नया पैगाम देते हैं हम बेशक पैगाम अमन का ही होता है लेकिन जो फितना परावर लोग जो होते हैं वो यही कहते हैं कि क्या मेरा तरीका गलत है क्या हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत था क्या हमारे आबा अजदाद गलत थे देखिए क़ुर मजीद भी इस पैगाम को आम करता है और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कुफ़ार मक् को कुरैश को तो उन्होंने भी यही इसी मक़ूल को आम किया कि क्या हमारे आबा अजदाद गलत तरीक़े से थे देखिए इसके लिए जब इंसान के अंदर तहक़ीकी मादा मौजूद होगा और ये सोच इंसान के अंदर जब परवास कर रही होगी कि सीधा रास्ता क्या है मैं किस तरीके से कामयाब हो सकता हूँ आप मिसाल ले लें कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की फील्ड में जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसमें इंसान ज़्यादातर देखता है कि इंसान जो है वो कौन सी फील्ड को चूज़ करे और उसमें कौन कौन सी फील्ड जो है उसके लिए ज़्यादातर बेहतर है जी अच्छा बिलाल बिल्मा बिलाल जहांगीर साहब बजा तौर पर जिस तरह माशरा तश्कल पाता है उसमें के तमाम जो टूल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के उसमें मजहब बड़ी अहमियत का हमल होता है यूरोप ने वेस्ट में जब चर्च को जब ये जो पैगाम हमारा लोगों तक पहुंच रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंच रहा है इन तीनों सरहदों तक तो बात मुकम्मल हो जाती है बाकी जो दो सरहद हैं या जो दो हल हैं उन पे हम पूरा नहीं उतरते हैं वो है एक माशर्ती हल और अखलाकीी हल माशर्ती तौर पर हम इस पैगाम को आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे पिछले दौर में जिसकी वजह से ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़े और अखलाकी तौर पर हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सही की जस्तजु में लग जाए इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बाकी सबको ग़लत करार दे तो अखलाकी तौर पर अगर हमें से हर फद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेगा तो हमारे माशरे में काफ़ी बेहतरियाँ आ सकती हैं जी आज के दौर में अगर हम बात करें समाजी आहंगी में मजहबी जो कायदीन है उनका बहुत अहम किरदार है इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी मेरा सवाल है मौलाना गुलाम मुतज़ा नक्शबंदी साहब से कि आप फरमाएं कि हमारे माशरे में समाजी आ, हम आहगी पैदा करने के लिए ऐसी ऐसे क्या इकदाम हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि जो मैं समझती हूँ कि बैन अमज़ाहब तो एक चीज़ है हम सब का अगर हम देखें कि हमारे माशरे में हिंदू भी है मुस्लिम्स भी हैं मुख्तलि मज़ाहब के लोग रहते हैं लेकिन जब हम मुसलमान हो हैं और हमारे मुसलमानों में जब आ, हम देखते हैं कि कुछ फ़िरके बन गए हैं तो हर फिर ये समझता है कि शायद हम सही हैं और हम दूसरों को सुनने को तैयार नहीं है तो इन हालात में हम ऐसे क्या इकदाम कर सकते हैं ताकि हमारे माशरे में समाजी आहंगी पैदा हो सके जी इकदाम के हवाले से आपने सवाल किया है देखें जी सबसे पहले मैं अर्ज करता चलूँ हमारा जो किरदार होता है ना ये, ये हमारे किरदार का लोगों पर बहुत ज़्यादा असर होता है किरदार हमारा क्या है हमारा रवैया क्या है इकदाम हम क्या कर सकते हैं देखें हम आहगी के हवाले से हमें ये चाहिए कि समाजी रबता कायम करें हर मुश्किल घड़ी के अंदर क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो इस्लाम हमें हमेशा यही दर्श देता है इस्लाम ने हमें देखें सारी चीज़ें उस वक़्त अमन व अमान की सूरत हाल भी उस वक़्त ख़राब होती है जब इंसान अपनी हदूद को तोड़ता है और हुकूक को भूल जाता है जब इंसान अपनी हद के अंदर रहेगा जो हम इस्लाम को मानने वाले हैं इस्लाम ने हमें कुछ हदूद बताई हैं इस्लाम ने हमें हकूक़ बताए हैं कि आपके ऊपर दूसरे मुसलमानों के या दूसरे इंसानों के क्या हकूक़ हैं तो जब आप उन उनकूक को अदा करेंगे पड़ोसी के हवाले से है अब हमें यह नहीं देखना कि हमारा पड़ोसी हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखता है या हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता है नहीं हमें जो इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं हमने उनको पूरा उस उन हकूक को पूरा करना है और जो हदूद हमें इस्लाम ने बताई हैं कि एक हद है इससे आगे नहीं बढ़ना तो हमने उस हद तक ही रहना है जब हम उन हकूक को अदा करेंगे अपनी हदूद के अंदर रहेंगे तो यकीनी बात है कि नई फ़िज़ा जो है वो कायम होगी अमन व अमान की समाज आमांी पैदा होगी इसी तरह मजहबी हम भी, भी पैदा होगी मुश्किल हालात के अंदर हमें चाहिए कि हम जो है एक दूसरे से दूर भागने की बजाय की बुनियादों पर मजहबी बुनियादों पर एक दूसरे से दूर भागने की बजाय एक दूसरे का सहारा बने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठें उनकी मदद करें इस्लाम को मानने के नाते से ताकि आपका किरदार ऐसा होना चाहिए देखें बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि जो आप कहकर दूसरे से नहीं मनवा सकते लेकिन आप जब उन बातों को अपने ऊपर फॉलो करेंगे अपना किरदार अच्छा बनाएंगे तो आपके किरदार को देखकर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आपके बिन कहे वो हल हो जाते हैं तो अपने किरदार को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है जब आपका किरदार अच्छा होगा तो यकीनी बात है लोग आपको देख कर होंगे तो उनके दिल के अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा कि जिस दीन को ये मानने वाले हैं जिस इस्लाम को ये मानने वाले हैं आप देखें ज़रा ये किस तरह उस दीन पर चल रहे हैं देखें मदद के हवाले से हो गया देखें ये दूसरे जो अच्छे बुरे दिन आते हैं मुश्किल हालात आ जाते हैं जब हम इन हालात को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर जो है चलेंगे इस्लाम में हम ये यही हुक्म देता है कि एक दूसरे की मदद की जाए एक दूसरे का ख्याल रखा जाए उसके जानाबे वाला अगर आपको अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए तो जब हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे मोहब्बत के साथ रहेंगे भाईचारे के साथ रहेंगे तो यकीनी बात है ये सारी चीज़ें फिर जब हम करेंगे तो बहुत सारे इकदाम ऐसे पैदा होंगे जिनसे जो है हम आगे चल कर समाजी हम आगी के हवाले से बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं सलमान अंसारी साहब बहुत अच्छी बात की है नक्शबंदी साहब ने कि बुनियादी तौर पर जो सबसे अहमियत की हमल है कि बैनलमजाब बैनलमसाक जो हम आहंगी है उसके फ्रोह के लिए हम सब क्या किरदार अदा कर सकते हैं बिल्कुल जी मुर्ताज़ा हाँ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं उसी बात को आगे ले कर चलूँगा देखें रियासत मदीना के अंदर इंसानों के हकूक़ कभी पामाल नहीं होते हर बंदे का एक एक लिमिटेड हद होती है और उसके हकूक़ वो ख्वा हुकूमत की तरफ से हों या फिर आम लोगों की तरफ से हों आप ये देखें कि रसूल वसल्लम ने पड़ोसी के हकूक़ के बारे में इतना बताया इतना बताया कि एक दिन अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मुझे डर होने लगा कि जबीली सलाम हर रोज़ मेरे पास आते और पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बात करते मुझे डर लग गया कि कहीं पड़ोसियों का वसीयत और विरासत के अंदर उनका हक़ शामिल ना हो जाए तो रियासत मदीना के अंदर हर छोटे बड़े के हकूक़ को पामाल नहीं किया जाता उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह और उसके रसूल और फिर मुसलमानों के ज़िम्मे होता है आप ये देखें कि जब फ़तहात इस्लामिया पर थी और जब मुसलमानों ने यहूद नसारा के इलाकों को फतह किया तो उस वक्त ज़िमियों के जो हकूक़ थे जो मुसलमानों ने दिए सैद उमर फ़ारूक का जो खुतबा आपने सुना होगा कि जब बैतुलमक़दस आपके हाथ में फ़तह हुआ और आपने उसमें अमन माहिदा किया तो उस मौके पर जो खूबसूरत जो आपने एक खुतबा अर्शाद किया उसमें एक दो कलिमात ये भी थे कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं अपने तमाम मजाहब और तमाम अकाइब के साथ अमन और सुकून के साथ रहेंगे उनके गिर जागर हों या उनके माबत खाने हों सब हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत की जाए दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि बैनलमसदालिक और बैनलमजाहब हम आहंगी के लिए जरूरी है कि इस माशरे के अंदर तालीम को फ़रग दिया जाए देखें जहाँ इम की बात होती है वहाँ इख्तलाफा को ख़त्म किया जाता है जहाँ इल की बात होती है वहाँ इस्तेहकाम की बात होती है और जब हमारे सलेबस के अंदर हमारे तालीमी इदारों के अंदर और आम एक्टिविटीज़ के अंदर जिस तरह इस्लामिक क्रिशन इंस्टीट्यूट ने आ, समाजी क़ायदीम के लिए ये इस तरह की वर्कशॉप मनक़द कि इसी तरह हमारे तालीमी इदारे क्योंकि नौजवान नसल मुल्क का सरमाया है अगर उन्हीं के सिलेबस के अंदर और उन्हीं के लिए हम उनके दिमागों को इस तरह ट्रेन करें कि वो आपस में मोहब्बत भाईचारगी और रियासत मदीना का जो सबक सीखें आगे फैलाएं ताकि एक अम, एक माशरा अमन की तरफ चल सके और यही एक खूबसूरत पैगाम है जी बिल्कुल समाजी हम आहंगी हमारे मुल्क और माशरे के लिए वक्त की एक अहम ज़रूरत है बतौर समाजी कायद आप समाजी हम आहंगी के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप इस वक्त क्या, क्या क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे हम अपने माशरे में समाजी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं ठीक हम आई आर आई एस एस की मदद से जो है मुख्तलिफ मदारस के अंदर और मसाजिद के अंदर और इबादत ख़ानों के अंदर जो है वर्कशॉप्स का इनका कर रहे हैं सेमिनार्स का इनका कर रहे हैं और फिर बीच में कोविड नाइन्टीन का एक बहुत बड़ा दौरानिया गुजरा था जिसमें हमने बिला रंगो नसल जो है लोगों में राशन तकसीम किया बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हमने बड़ी कोशिशें कि और नौजवानों को माशरे का एक मिसबत पहलू भी दिखाया है इस हवाले से हमारी इनफरादी कोशिशें भी हैं और अज्तमाही कोशिशें भी हैं इस पूरे मामले के अंदर जो है हमें मै से हम तक का सफ़र करना पड़ेगा मैं से हम तक के सफर में यह है कि जब एक फ़र्द जो है वो अपनी पूरी कोशिशें जब इजाही शक्ल में करने लग जाता है तो इससे माशरा बेहतरी की तरफ चला जाता है इसीलिए तो इकबाल ने कहा है फ़र्द क़ायम रबत मिलत सेहत तन कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं इसी तरीके से अगर हम देखें माशरे के अंदर हर हर फर्द अहमियत का हामिल है और हर हर फर्द को हमें जो है अहमियत देने की ज़रूरत है हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नेगेटिव लेते हैं लेकिन अगर हम जाकर उनसे बात करें उनके नज़रियात को उनके के अंदाज़ में समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है वो बहुत कारद लोग हैं तो हर एक के साथ जो है मिलना जुलना और लोगों के साथ ताउन लोगों के साथ तबादला ख्याल करना और लोगों के साथ मुख्तफ चीज़ों का ताउन करना ये एक समाजी क़ायद के लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है और मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल एक, एक, अवमाम के तौर पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम इस चीज़ को बहुत बेहतरीन बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं मैं अपनी हद तक इसकी बहुत कोशिश है और काविश कर रहा हूँ और आई आर आई एस एस इस चीज़ के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है अच्छा नक्शंदी साहब यह फरमाइएगा कि बतौर समाजी रहनमा या मजहबी रहनुमा क्या किरदार हो सकता है बैन अमजाहब और बैन अमसा कमांगी में एक मजहबी रहनुमा का देखें जी मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है मस्जिद से है मस्जिद के हवाले से हमारी खिदमत है और मेहराब से मेरा ताल्लुक़ है और मेहराब से ऐसी बात की जाए हमारा किरदार आपका सवाल यही है कि हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं हमारा जो इदारा है आई आर आई एस एस ये हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हमारी करता है ये इस इदारे से हम मुनसले की इसी वजह से हुए हैं जाहिर है देखिए मसल की इख्लाफा हम इसी पर बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं हमारा मेरी जो अपनी फील्ड है मंबर महराब के हवाले से हमें ये चाहिए कि मंबर महराब से कोई भी ऐसी बात ना की जाए कि जिससे जो है वो किसी किस्म की कोई कुशदगी पैदा हो कोई इंतजार पैदा हो देखें याद रखिएगा हम बार बार यही बात कर रहे हैं मजहबी और मसल की हम आंगी याद रखिएगा मसल की और मज़हबी हवांगी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है आप अपनी हद में रहें आप जिस दीन को भी मानने वाले हैं उस दिन का आप उस दिन की आप तबलीग भी करें लोगों को तो। लेकिन देखें अपने दीन के आप हद तक रहें दूसरे किसी भी मज़हब पर आप कीचड़ नहीं उछालें किसी मुक़दस हस्तियों की आप शान में कोई गुस्ताखी नहीं करें कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे जो है वो एक इंतशार की जो है फ़िज़ा कायम हो जिससे जनाबे वाला कोई फ़िरका वारियत की फ़िज़ा कायम हो आप एक अपनी हद में रह कर जब को ज़िम्मेदारी दी गई है ये तो अल्लाह का हम पर करम है कि अल्लाह ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है अल्लाह ने हमें जो है ये तोफ़ी बख्शी है तो हमें यह चाहिए कि इस हवाले से हम ये किरदार अदा करें लोगों की जहन साजी करें लोगों के अंदर जो एक फ़िरका वारियत की फ़िज़ा कायम है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें जी।, जी बिल्कुल सामीन आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तावन से आप तक पहुंचाया जा रहा है आ, वक्त बहुत कम है मेरा आप सबसे एक सवाल है कि सबसे पहले मैं सवाल करूंगी मौलाना सलमान अहमद अंसारी साहब से कि आप हमारे सामीन को समाजी आहंगी से मुतल क्या पैगाम देना चाहेंगे बिल्कुल आपने हम हमारी गुफ्तू सुनी और इसमें जो उसका लुबे लुबाब है वो मैं दो नुकात के अंदर पेश करूंगा सबसे पहली चीज़ कि जब इंसान के अंदर बर्दाश्त की मादा पैदा होता है और बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ है कि इंसान सामने वाले को ना चाहते हुए भी कबूल करता है और उसके अंदर उसकी मोहब्बत की जो फ़िज़ा होती है वो उसको बुलंद करता है देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान अपने मकासद को सबसे पहले सामने रखे कि वो किस तरीक़ पर चल रहा है या क्या वो माशरे के अंदर कोई मुसबत किरदार अदा कर रहा है जिससे दूसरा कोई शख्स उससे फ़ायदा उठा रहा हो आप ये देखें अल्लाह के नबी सल वसम ने कितना खूब फरमाया खैरकुम खैरन्नासी मन अनफ़ा उन्नास कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए नफ़ा है जब तक ये सोच हमारे अंदर नहीं आएगी एक पुरमन माशरा पैदा नहीं होगा जब तक हम यही सोचेंगे कि मैं बेहतर हूँ और अगला गलत है तब तक इंतशार और अख्तिलाफ़ पैदा होंगे जब इंसान ये कहेगा कि मेरी जात से किसी को नुकसान ना पहुँचे खई रकुम खई रकम लियाली तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो तुम्हारे घर वों के लिए बेहतर है आप ये देखें हकूक अबादा के ऊपर रसूल सल वसम ने कितनी हादी फरमाई और कितना अहकाम हकूकबाद के ऊपर बताई शायद हुकूक के ऊपर भी इतनी अदी मौजूद नहीं है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान ये सोचे कि मेरी जात से सामने वाले को किस तरह फ़ायदा हो रहा है ख्वा वो मजहबी हो समाजी हो सियासी हो या तलीमी हो किसी भी रूह से हम इसको देख सकते हैं ठीक है बिल जहंगीर साहब आप क्या मैसेज देंगे आज की सारी डिबेट के बाद सारे मकालमे के बाद सारी गफ्तु के बाद कि समाजी हमहंगी के लिए जो है बैनलमजाहब और बैन अमसा हमहगी ज़रूरी है तो उसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे साथ मैं सामीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह की है और दुनिया भी अल्लाह की है और फैसले का हक जो है हमें अल्लाह इज़्ज़त को देना चाहिए और हमें अपनी मिसबत कोशिशें जारी रखनी चाहिए और नतज अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए सही और नक्शबंदी साहब मौलाना गुलाम उर्सा नक्शबंदी साहब आप क्या इस मौके पे मैसेज देना चाहेंगे हमारे सामीन को और ज़रा कि इस सारी प्रोग्राम या गुफ्तू की डिबेट का जो खुलासा है उसमें आप क्या मैसेज देंगे देखें जी मैसेज यही होगा जो इस सारी मेरी गुफ्तु और हमारे साथियों की गुफ्तु के जो लुबे लबाव है वो यही होगा मैं यही कहना चाहूँगा हमारे सामीन से कि अपना किरदार जो है वो अच्छा करें जब आपका किरदार अच्छा होगा जब आपकी सोच जो है वो मुस्बत होगी हम इस्लाम को मानने वाले हैं इस्लाम हमें इसी बात का दर्श देता है मसला की हवाले से हम मैं अर्ज़ करूँ हज़ू ने फरमाया अदी से मुबारक है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद में होता है तो अल्लाह उसकी मदद में होता है अल्लाह उसकी तमाम मुश्किल को हल फरमाता है तो हमें चाहिए अपना किरदार हम अच्छा बनाएँ जब हमारा किरदार अच्छा होगा हमारी सोच सोच जो है वो मुसबत होगी तो जाहिर है एक हम, जो मैसेज हम आगे पहुँचाएँगे हमारे किरदार जिस तरह हमारा होगा हमारा मैसेज भी उसी तरह लोगों पर जो है वो असरानंदाज़ होगा हमें चाहिए हम अपने किरदार को अच्छा बहुत शुक्रिया बिला जहांगीर साहब मौलाना गुलमन नक्शबंदी साहब व सलमान अहमद अंसारी साहब आपके बहुत मशहूर हैं आपने प्रोग्राम में शिरकत की ये यकीनी तौर पर आ, आज की गुफ्तु में जो सबसे अहमियत की आमल चीज़ थी वो ये थी कि, कि किसी भी माशरे को बेहतरीन माशरा कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए मजहबी हम आहगी मसाले की हम आहगी बड़ी अहमियत की आमिल होती है और इसमें सबसे अहम किरदार उन कायदीन का होता है जो बर वहराब पे हों जो मस्जिद में हो जो मदारस में हो जो अपनी अपनी जगह किसी भी आ, मसलक से ताल्लुक़ रखते हो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो किसी भी मजहबी इबादतगार से ताल्लुक़ रखते हो उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है और यही किरदार जो है माशरे को बेहतर से बेहतरीन में तब्दील करता है शामिल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है आ, अपने मेजबान मियाँ तारिक और आमना शेख को प्रोड्यूसर आमना शेख को इजाज़त दीजिएगा अला निकबान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद अभी आप कमर्शियल प्रोग्राम सुन रहे थे तावन था इस्लामिक रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का हमारे स्टूडियोज़ के घड़ियों में दिन के एक बजने वाला है ठीक एक बजे रेडियो पाकिस्तान से ख़बरें नशर की जाएंगी। आइए इस्लामाबाद चलें no